हेलो नमस्कार, मैं पारुल ठक्कर, चीफ पीडियाट्रिक डायटिशियन एंड पीडियाट्रिक कोऑर्डिनेटर एट एडवर्ड सेंटर फॉर डाइजेस्टिव एंड ओबेसिटी सर्जरी। आज मैं आप सबसे एक पूरी प्रोसेस के बारे में बात करने जा रही हूँ, पीडियाट्रिक प्रोसीजर के बारे में। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए, तब से लेकर सर्जरी के दिन और सर्जरी के वक्त के बीच में एग्जैक्टली क्या होता है, so we will walk you through the entire process of decision making about pediatric surgery. तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं डायरेक्टली हमारे सेंटर पे कंसल्टेशन के लिए, या फिर वीडियो कंसल्टेशन होता है, या फिर पेशेंट हमें टेलीफोनिकली अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले हम पेशेंट से उनकी बेसिक डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। डिटेल्स जैसे कि उनका एज, उनका हाइट, उनका वेट, उनका बीएमआई, उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस और उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स। खास करके हम उन मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं जो वेट गेन की वजह से होते हैं। और फिर ये सब जानकारी लेने के बाद हम ये तय करते हैं कि क्या आप वो कैटेगरी में फॉल होते हो कि जहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी आपके लिए एडवाइजेबल है या नहीं, क्या आपको पीडियाट्रिक सर्जरी से फ़ायदा होगा या नहीं, और इन केस अगर आपके केस में पीडियाट्रिक सर्जरी एडवाइजेबल नहीं रहता है, तो हम उन केसेस में पेशेंट से डिटेल में डिस्कशन करते हैं जो नॉन सर्जिकल वेट लॉस के ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में, और इन दैट केस जो ट्रीटमेंट का मेथड होता है और ट्रीटमेंट की डायरेक्शन होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। And in case if you fall into the category where you merit bariatric surgery, और आपके केस में अगर bariatric surgery advisable है और हमें लगता है कि शायद bariatric surgery से आपकी जो भी existing health problem है उसमें सुधार आ सकता है, तो in that case हम patient से detail में discuss करते हैं जो भी bariatric surgery के options होते हैं, surgical options होते हैं, उसका discussion होता है। साथ ही हर एक सर्जिकल प्रोसीजर के जो भी फ़ायदे और गैर फायदे होते हैं उसका भी डिस्कशन होता है, और फिर हम हमारा ओपिनियन देते हैं पेशेंट को कि हमारी क्या एडवाइस रहती है कि कौन सा सर्जिकल ऑप्शन उनके केस में हमें चुनना चाहिए। हालांकि जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो मेरे डॉक्टर चिराग ठक्कर आपके और आपके पेशेंट के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद लिया जाता है। तो टाइप ऑफ सर्जरी के अलावा इधर हम पेशेंट के साथ वो भी डिस्कस करते हैं कि पीडियाट्रिक सर्जरी के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं, सर्जरी के बाद कौन से छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं, और इन केस अगर फ्यूचर में सर्जरी के बाद आपको इनमें से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो उस वक्त हम वो सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करते हैं कि पीडियाट्रिक सर्जरी के बाद आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें कितनी मात्रा तक सुधार आने की गुंजाइश रहती है, हाउ मच हेल्थ बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्ट आफ्टर द पीडियाट्रिक सर्जरी। साथ ही हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आपके केस में पीडियाट्रिक सर्जरी के बाद कितना वेट लॉस हो सकता है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। इसके अलावा हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि सर्जरी के बाद आपके खाने पीने की पैटर्न में क्या बदलाव आएगा, आपका डाइट प्रोग्रेशन किस हिसाब से रहेगा, सर्जरी के बाद का आपका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या रहेगा, और फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को लेके आपके पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे, और जो आपकी वेट लॉस की ये पूरी जर्नी है उसमें हम आपको किस हिसाब से गाइड करते रहेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि सर्जरी के बाद आपका जो हमारे साथ फॉलोअप रहता है उसका पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, और सर्जरी के बाद जो सप्लीमेंटेशंस दिए जाते हैं पेशेंट को उसके बारे में डिस्कशन होता है, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो इनिशियल पीरियड में दिया जाता है, और आयरन और वाइटामिन का जो सप्लीमेंट होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, एटलीस्ट तब तक जब तक आपका वेट लॉस कंटिन्यू रहता है। साथ ही ये टाइम पे हम आपके साथ वो भी डिस्कस करते हैं कि रिकवरी कितनी फास्ट होगी, हाउ फास्ट यू कैन बी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ एंड योर वर्क। तो ये सब डिस्कशन के बाद ये आपको तय करने का रहता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं।
एंड इन केस अगर पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड होता है बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने के लिए, तो सर्जरी के पहले जो जांच की जाती है वो सब स्केड्यूल होता है। ये जांच हमें हेल्पफुल होती है ये जानकारी देने के लिए कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें कितना सुधार आ सकता है, और उसके बाद हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि सर्जरी के पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, सर्जरी के पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद फाइनली वो समय आता है जब हम पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और सर्जरी का टाइम और सर्जरी का डेट स्केड्यूल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेट हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि उनको कब हॉस्पिटलाइज होना है। यूजुअली पेशेंट को सर्जरी के दिन या फिर सर्जरी के एक दिन पहले हॉस्पिटलाइज किया जाता है। रेयरली कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट का बीएमआई काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर उनके जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी सीवियर होते हैं, और उसकी वजह से उनका जो सर्जरी का रिस्क होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट की रिस्क प्रोफाइल को रिड्यूस करने के लिए यूजुअली हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि एक बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, वेरिन हॉस्पिटल के अंदर ही उनका इवेल्यूएशन और उनकी हर एक जांच की जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो एसोसिएटेड डॉक्टर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, और उनकी जो भी मेडिकल कंडीशन है उसको कंट्रोल में लाने के लिए उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट की जाए। और एक बार इवेल्यूएशन हो जाता है और उनकी मेडिकल कंडीशन कंट्रोल में आ जाती है तो उसके बाद ऐसे केसेस में सर्जरी को प्लान किया जाता है। और एज पर द स्केड्यूल टाइम जब सर्जरी हो जाती है तो अगेन सेम टीम वापस से इन्वॉल्व होती है आपकी पोस्ट सर्जिकल केयर के लिए, जहाँ पे हम वापस से आपको गाइड करते हैं डाइट प्रोग्रेशन के बारे में और आपके फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के प्रोग्रेशन के बारे में। तो आशा रखते हैं कि ये वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया आया होगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी के रिगार्डिंग जो डिसीजन प्रोसेस होता है वो किस हिसाब से होता है, कैसे बातें आगे बढ़ती हैं। तो अगर बेरियाट्रिक सर्जरी के रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है, आप कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, तो फील फ्री टू कॉल अस आपको गाइड करने के लिए, आपको मदद करने के लिए और आपको जानकारी देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।